हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मिथ्या सीरीज का, जो कि हाल ही में G5 पर रिलीज हुआ है। बात करें इस टीवी सीरीज के बारे में तो ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा थ्रिलर सीरीज है। साथ ही साथ इस सीरीज में मर्डर मिस्ट्री भी अवेलेबल है। तो कहानी का छोटा सा जिस्ट यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो एक रात एक प्रोफेसर के पति का कत्ल हो जाता है और यहाँ पे वो प्रोफेसर यानी कि इस रोल में हम हुमा कुरैशी जी को देख पाएंगे, तो शक जाता है हुमा कुरैशी और एक लड़की है उसके ऊपर शक जाता है। तो आखिरकार कातिल कौन है, हम वीडियो के एंड में जान पाएंगे। ओके, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं जूही को, जो कि हिंदी प्रोफेसर होती है, और उसके पति यानी कि नील, ये भी इसमें एक प्रोफेसर होते हैं। तो सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं जूही को, जो कि अपने एक दोस्त के साथ बात कर रही थी, उसके फ्रेंड या फिर कॉलिग बोल सकते हो, उसका नाम होता है विशाल। विशाल भी उसी कॉलेज में प्रोफेसर होता है और यहाँ पे उनके बातचीत से हमें पता चलता है कुछ दिनों में जूही को इस जगह की HOD बना दिया जाएगा। अब यहाँ पे हम नोटिस कर पाते हैं कि जूही अपने शादीशुदा जीवन में कुछ नहीं है और वो विशाल को याद करके वॉशरूम में कुछ कर रही थी, जो कि उसकी स्टूडेंट रिया देख लेती है। ओके, तो यहाँ पे जूही को पता लगता है कि कोई उसे देख रहा है और यहाँ पे वो उसकी जूते नोटिस कर पाती है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जूही सबका थेसिस कलेक्ट कर रही थी और यहाँ पे वो रिया के जूते नोटिस कर पाती है और यहाँ पे उसको पता चल जाता है कि रिया ने उस दिन उसको देख लिया है ऐसा करते हुए। और यहाँ पे बातों बातों में उन लोगों का बहस हो जाता है और जूही यहाँ पे गुस्से में रिया का थेसिस को रिजेक्ट करके उसको फेल करवा देती है और ऊपर से रिमार्क्स पे यहाँ पे लिख देती है कि ये प्लाजराइज्ड है, यानी कि किसी से कॉपी करके आप उसका क्रेडिट उसको ना दो, जो कि आजकल बॉलीवुड फिल्म। और अभी सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं रिया सच में किसी के नोट से छापती है और यहाँ पे हमें पता चलता है वो इस कॉलेज की ट्रस्टी की बेटी है और वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसको वो पटा के रखी है अपने पर्सनल काम में यूज करने के लिए। मतलब सिक्योरिटी गार्ड बेचारा कुछ और ही समझ रहा है, लेकिन ये लड़की उसको यूज कर रही है और जब भी उसका नोट की जरूरत होती है, क्योंकि उस सिक्योरिटी गार्ड के पास पुराने नोट जहाँ पे जिस कमरे में होते हैं उसका चाबी उसके पास है, तो उसके जरिए रिया को पुराने नोट मिल जाता है और वो कॉपी कर लेती है। अभी सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं जब रिया को ये बात पता चलती है कि वो फेल हो चुकी है, वो सीधे जूही के रूम में जाती है और यहाँ पे उसको पहले तो उसे अच्छे से बात करती है, लेकिन जब जूही नहीं मानती तब वो जूही को एक धमकी देती है कि उस दिन जो बाथरूम में हुआ वो सबको बता देगी। और अभी वो डायरेक्टली जाती है करंट HOD जो है उसके पास जाती है और जूही की कंप्लेन कर देती है और यहाँ पे वो ऐसे झूठ मूठ का नाटक करके बोलती है कि उसने कॉपी नहीं किया और अपना रोना धोना सब चालू कर देती है। तो यहाँ पे करंट HOD ये फैसला लेती है कि इसका एक कमिटी मीटिंग बिठाया जाएगा। और अभी हम सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं रात को रिया जूही और नील के घर के बाहर थी और वो उन लोगों को स्टॉक कर रही थी। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है नील और जूही, ये लोग कब से बच्चे के ट्राई कर रहे हैं लेकिन इन लोगों का बच्चा नहीं हो रहा है। सो ये लोग एक डॉक्टर के पास जाते हैं और रिपोर्ट के अनुसार नील में ही कुछ गड़बड़ है। इसी बात पे नील और जूही लोगों का थोड़ा झगड़ा हो जाता है। अभी उन लोगों का झगड़ा हुआ था तो रात को जूही अपने एक फ्रेंड के साथ पी रही थी और इधर नील फोन कर रहा है लेकिन जूही उसको इग्नोर मार रही है। इधर सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं नील घर में अकेला था और बाहर तेज बारिश हो रही थी और यहाँ पे हम देखते हैं रिया वहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे वो नील को बोलने लगती है कि वो कुछ नोट्स देने आई है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि रिया कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा फ्रेंडली हो रही है नील के साथ। और यहाँ पे हम देखते हैं ये लोग शराब भी पी रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पे जूही आ जाती है, लेकिन तब तक रिया यहाँ से जा चुकी है, लेकिन शराब की 2 ग्लास यहाँ पे जूही देख लेती है। तो ये बात वो नील से पूछती है तो नील यहाँ पे बताता है कि रिया यहाँ पे आई थी। तो ये बात सुन के ऑब्वियसली जूही इरिटेट हो जाएगी और वो यहाँ पे फिर से और भी नाराज हो जाती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे जूही अपने पेट कैट को ढूंढने लगती है, तो साथ में ये लोग आसपास सर्च करने लगते हैं और उन्हें उस पेट कैट मरा हुआ मिलता है। तो ये बात देख के जूही समझ गई थी कहीं ना कहीं इसके पीछे रिया ही है और उसकी पेट कैट की गले में जो बेल्ट बांधते हैं वो मिसिंग है। तो यहाँ पे जूही समझ रही थी कि ये कहीं ना कहीं इसके लिए इसके पीछे रिया ही है। नेक्स्ट डे जूही अपने फादर के पास जाती है और यहाँ पे हमें पता चलता है उसके फादर भी एक प्रोफेसर है और करेंटली जूही जिस कॉलेज में है उसी कॉलेज में उसके पिता HOD थे। उनके घर के दीवार में बहुत सारा फोटोज था लेकिन उनमें से एक फोटो मिसिंग था, जो कि जिसके बारे में जूही उनको पूछती है। तो उसके पिता बताते हैं कि वो फोटो गिर के उसका कांच टूट गया है, इसीलिए वो नए फ्रेम के लिए वो फोटो को दिए हैं। अभी नेक्स्ट सीन में
हम देखते हैं रिया अनिल के पास जाता है और उसके साथ फिर से एक्स्ट्रा फ्रेंडली हो रही है। और अभी जूही को एक लेटर मिलता है जो कि रिया की तरफ से था और बाहर लिखा था कि सॉरी फॉर योर लॉस वाला मैसेज, मतलब जो उसका कैट मर गया है उसके लिए ये मैसेज था। लेकिन ये लिफाफा को जूही खोल के नहीं पढ़ती, बस बाहर जो मैसेज था उसी को देख के वो लिफाफे को अपने टेबल में रख देती है। ओके, तो इसको याद रखना क्योंकि आगे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो ये देख के जूही को यकीन हो जाता है रिया, इसके पीछे रिया ही है, वो उसके पेट कैट के मरने के पीछे रिया ही है। इसीलिए वो छुपते छुपाते हुए रिया के कमरे में जाती है और यहाँ पे उसका लैपटॉप ओपन था, तो लैपटॉप में अपना और नील का तस्वीर वगैरह सब था उसमें, जो कि बहुत क्रीपी है, मतलब तुम किसी को स्टॉक कर रहे हो। ये देख के जूही और भी परेशान हो जाती है। लेकिन जाते जाते जूही के हाथ में कुछ फ्लावर्स थे, एक दो फ्लावर वहाँ पे गिर जाते हैं। ओके, इसको भी याद रखना, आगे काम आएगा। जब रिया वापस अपने कमरे में आती है तब वो देखती है कि चीजें इधर उधर पड़ा है, तो वो जान पाती है कि कोई तो कमरे में आया है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं उसका एक बॉक्स था जिसको हमेशा वो लॉक करके रखती थी। और यहाँ पे हम देख पाते हैं उस बॉक्स के अंदर जूही और उसके डैड का एक फोटो है, मतलब कुछ देर पहले जूही जिस फोटो को ढूंढ रही थी उसके पापा के यहाँ, वही फोटो है। और रिया यहाँ पे फिर से वो सिक्योरिटी गार्ड का यूज करता है, उसको झूठ मूठ का फ्लटिंग करती है उसके साथ, उसको बोलने लगती है उसे जिस किसी भी तरह से वो सीसीटीवी चाहिए। और जल्द ही सीसीटीवी का रिकॉर्डिंग भी मिल जाता है, तो सीसीटीवी का रिकॉर्डिंग से रिया को पता चल जाता है कि जूही आई थी उसके कमरे में। फिर सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं जूही के लॉकर में उसकी वेडिंग वाली अंगूठी वो रखी थी, वो उसके लॉकर से गायब हो चुकी है। और यहाँ पे उसी लॉकर में से उसको वही फ्लावर मिलता है जो कि मैंने आपको थोड़ी देर के लिए याद रखने के लिए बोला था। इसी फ्लावर को गलती से जूही रिया के कमरे में छोड़ के चली गई थी। इस बारे में वो नील से बात करती है लेकिन नील उसका बिलीव नहीं करता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रिया के घर एक पार्टी थी, यानी कि उसके पिता जो ट्रस्टी थे वो एक पार्टी दे रहे थे, तो यहाँ पे कॉलेज के सारे स्टाफ आए थे। और यहाँ पे हम देखते हैं रिया के हाथ में वही अंगूठी जो कि जूही के हाथ में थी। और यहाँ पे जूही ये बात नोटिस कर लेती है, तो जूही यहाँ पे अपना अंगूठी रिया से मांगती है, तो रिया यहाँ पे बोलती है कि वो उसकी अंगूठी है ना कि जूही की। तो जूही यहाँ पे जबरदस्ती वो रिंग निकाल देती है उसके हाथ से। और यहाँ पे देखने पर, मतलब बाहर से देखने पर ये बिल्कुल सेम ही अंगूठी लग रही थी, लेकिन जूही की जो मैरिज रिंग है उसके अंदर जूही और नील का नाम लिखा हुआ था। और रिया जो रिंग अभी पहन रही है, चेक करने पर उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं मिलता, तो यहाँ पे बात साफ हो जाती है कि ये जूही की अंगूठी नहीं है। और यहाँ पे सब उसे सॉरी बोल के इधर से निकल जाते हैं। लेकिन रात में हम देखते हैं असल में जूही की रिंग और कोई नहीं बल्कि रिया ही चुराई है। और उसके पास दो दो रिंग है, एक रिंग में नील और जूही का नाम लिखा गया है जो कि जूही का रिंग है, और एक हुबहू उसी तरह का रिंग वो बना के जानबूझ के पार्टी में पहन के आई, जिसको देख के जूही ट्रिगर हो जाए और उन लोगों का झगड़ा हो। ये सब रिया क्यों कर रहे हैं हमें आगे पता चलेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं नील और जूही का फिर से बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं रिया फिर से नील के कमरे में जाती है, और सबसे पहले तो नील उसे माफी मांगता है कल रात जो हुआ। और रिया यहाँ पे बोलती है कोई बात नहीं और ये मामला वो सॉर्ट आउट कर ले, इसीलिए वो नील और जूही को एक पार्टी देना चाहती है। ऐसे ही बातचीत करते हुए यहाँ पे हम देखते हैं रिया फिर से एक्स्ट्रा फ्रेंडली हो रही है। और यहाँ पे हम देखते हैं नील भी कहीं ना कहीं उसके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड है। तो रात को नील जूही को बिना बताए रिया के साथ चला जाता है, मतलब ये बोलता नहीं है कि मैं रिया के साथ जा रहा हूँ, कुछ बहाना बना के रिया के साथ चला जाता है। और रिया को बोलता है कि मैंने जूही को बोला था लेकिन जूही नहीं आई। और यहाँ पे लोग फिर से एक्स्ट्रा फ्रेंडली हो रहे है, जिसका नतीजा आगे जाके कुछ अच्छा नहीं होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं ये लोग घर जाते ही इधर उधर वाला चैट भी करते हैं, और तो नील अपना प्राइवेट पार्ट का फोटो भी भेज रहा है। ओके, तो मैं डिटेल में क्यों बता रहा हूँ क्योंकि आगे इसका कनेक्शन है। तो नेक्स्ट डे हम देखते हैं कमेटी मीटिंग बैठाई जा रही थी रिया के लिए। जैसा कि आपको याद होगा जूही ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया था कि वो प्लगरिज्म किया है, तो रिया यहाँ पे पिछली रात वाला फोटो और उन लोगों का चैट ये सब जूही को फॉरवर्ड कर देती है। तो ये देख के जूही तो मतलब वो पूरी तरह से टूट गई थी और सदमे में वो ये मीटिंग अटेंड नहीं करती और इधर से चली जाती है। तो यहाँ पे हमें रियलाइज होता है कि रिया ये सब क्यों कर रही थी और का और भी बहुत बड़ा प्लान है, आगे आपको पता चलेगा। और जूही यहाँ पे अपने घर जाती है और वो अपने पेरेंट्स को ये सब बता दिया है। थोड़ी देर बाद नील यहाँ पे पहुंचता है और वो जूही से माफी मांगता है, और यहाँ पे हमें पता चलता है जूही प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जूही के पिता छुपते छुपाते हुए रिया के कमरे में जाते हैं और उससे बोलते हैं कि जूही को इन सब में मत इन्वॉल्व करो। ओके, तो इनका क्या रिश्ता है हमें आगे पता चलेगा। अभी सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं रिया अपने
अपने घर जाती है और यहाँ पे हम देख पाते हैं रिया के फादर मतलब वो ट्रस्टी, उसका और रिया का रिलेशन कुछ अच्छा नहीं था। और यहाँ पे हम जान पाते हैं रिया की मदर की बहुत सालों पहले डेथ हो चुकी है और उसके डेथ होते ही रिया की माँ की बहन यानी कि वो ट्रस्टी की साली ट्रस्टी उससे शादी कर लिया है, जिसको देख के रिया बिल्कुल भी खुश नहीं है। ओके, तो आज रात को जूही के पिता की एनिवर्सरी है, इसीलिए जूही के पिता एक बड़ा सा पार्टी अरेंज किए थे, लेकिन उस पार्टी में नील को इनवाइट नहीं किया गया था। वो फोटोज वाला कांड सबको पता चल चुका था इसीलिए। और यहाँ पे हम देखते हैं नील अकेला बैठ के ड्रिंक कर रहा है, लेकिन यहाँ पे रिया की फिर से मैसेज आता है इट्स अर्जेंट करके, और जैसा कि मैंने बोला था मर्द बहुत कमजोर होते हैं बेटी। तो नील यहाँ पे रिया से मिलने जाता है और फिर से ये लोग कुछ एक्स्ट्रा फ्रेंडली हो रहे हैं और यहाँ पे इनके बीच सब कुछ हो जाता है। ओके, तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं नील बाथरूम गया था, इस बात का फायदा उठा के रिया नील की फोन से जूही को मैसेज करती है कि आई नो कि तुम गुस्सा हो, लेकिन क्या थोड़ी देर के लिए तुम घर आ सकती हो, ऐसा मैसेज करती है उसको। और ये मैसेज देख के जूही घर के लिए निकलती है। ओके, प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं जैसे कि मैंने आपको बोला था नील का आगे जाके खून हो जाएगा, तो उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और यहाँ पे रिया अपना बयान दे रही है कि जूही ने उसको मार डाला, क्योंकि जूही को पता चल चुका था कि रिया और नील ये लोग अफेयर चल रहा था और उसके बारे में रिया ने जूही को कभी चिट्ठी भी लिखा है। ओके, तो आपको याद होगा कि जब जूही का पेट कैट मर गया था उसके लिए रिया ने एक चिट्ठी लिखा था जिसको जूही कभी ओपन भी नहीं की थी, बस बाहर का मैसेज देख के उसको वापस टेबल में रख दिया था। तो एक्चुअली में उस लिफाफे के अंदर रिया ने कुछ ऐसा लिखा था कि उसका और नील का अफेयर चल रहा है, लेकिन रिया उसको कंटिन्यू करना नहीं चाहता, लेकिन नील उससे फोर्सफुली ये करवा रहा है। जबकि एज ए व्यूअर हम देख लिए थे कि रिया बस नील का फायदा उठाना चाहती है, और दूसरी तरफ नील भी भावना में थोड़ा ज्यादा ही बह जाता है। तो जब पुलिस जूही के कमरे में मतलब वो टेबल में सब छानबीन करने लगती है तब वो लेटर पुलिस की टीम को मिल जाता है। ओके, अभी सीन शिफ्ट होके हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे कि रिया बहुत चालाकी से जूही और उसका जो पिता वाला फोटो वो फोटो को नील के जैकेट में रख दिया था, और नील यहाँ पे कमरे में रिया को ढूंढता है लेकिन उसको नहीं पता, इसीलिए हड़बड़ी में गाड़ी का कीज लेके घर की तरफ मतलब अपना घर की तरफ जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं तब तक जूही घर पे पहुंच चुकी है और नील भी जैसे तैसे करके घर पे पहुंचता है। और यहाँ पे जूही को पता चलता है कि नील ने उसे मैसेज नहीं किया था, बल्कि नील का फोन रिया के पास था, लेकिन नील और रिया के बीच सब कुछ हो चुका है ये नील नहीं बताता, बल्कि वो झूठ मूठ का बोलता है कि रिया ने उससे मैसेज किया और ऐसा मैसेज किया कि अगर नील वहाँ पे नहीं आता तो वो सबको बता देगा कि उनके बीच सेक्स हुआ है, जो कि असल में हो चुका है। मतलब उसका कहने का मतलब है कि रिया ने नील को ब्लैकमेल किया है, इसीलिए नील को रिया के पास जाना पड़ा, जो कि सीरीज में आपको सबका एक नेगेटिव साइड देखने मिल जाएगा। सबका नेगेटिव साइड आपको देखने मिल जाएगा, जैसे कि अभी नील अपने आप को बचाने के लिए साफ साफ झूठ बोल रहा है। और पहले सीन में अगर आपको याद होगा जूही को विशाल मतलब उसका दोस्त विशाल पसंद है, और यहाँ पे बातों को घुमा के नील बोलता है कि रिया के घर में उसको वो फोटो मिला मतलब जूही और उसके फादर का, जो कि रिया ने ही जानबूझ के उसके जैकेट में रखा था। और जूही ये फोटो देख के बहुत टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसके पिता ने तो उसको बोला था कि ये फोटो एक दुकान में दिए उसको ठीक करवाने के लिए, इसलिए सच्चाई जानने के लिए वो फोटो लेके सीधा पार्टी में जाती है। और यहाँ पे हमें सच्चाई पता चलता है, दरअसल जूही के पिता अपने जमाने में बहुत बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं और उसका एक स्टूडेंट के साथ अफेयर था और उनकी एक बेटी पैदा हुई जो कि असल में और कोई नहीं बल्कि रिया है। लेकिन जूही के पिता जिसको प्यार करते थे उसका नाम होता है मंजरी, तो मंजरी को उस टाइम के जो कॉलेज ट्रस्टी थे उसका मंजरी के साथ मैरिज हो गया, लेकिन बाद में जब ये सब पता चला कॉलेज ट्रस्टी को तब उसका और मंजरी की बहन का चक्कर चलने लगा। तो जैसा कि मैंने बोला था इस सीरीज में सबका नेगेटिव साइड देखने मिलेगा, सबके सब ठरकिए साले। इस तरफ हम देखते हैं नील यहाँ पे रिया को कन्विंस करना चाहता है कि उनके बीच जो सेक्स हुआ है वो उसके बारे में जूही को ना बताए, क्योंकि जूही अभी प्रेग्नेंट है और आगे जाके ये लोग फैमिली प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं। और यहाँ पे रिया हंस के बोलती है कि मैं अपने से नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर वो पूछेगी मतलब जूही अगर उससे पूछेगी तो वो झूठ भी नहीं बोलेगी, मतलब वो इन सब के बारे में बता देगी। तो ये सुन के नील को चढ़ता है बहुत ज्यादा गुस्सा और वो रिया का गला दबाने लगता है, और यहाँ पे सीन कट हो जाता है।
और प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं जो कि सारे सबूत जूही के खिलाफ थे और यहाँ पे जूही को अरेस्ट किया जाता है। अभी फॉरेंसिक डॉक्टर और पुलिस की टीम को फोन करती है और यहाँ पे वो उसे बताते हैं कि नील के शरीर में 2 wounds मिले हैं और 2 अलग अलग नाइफ से किया गया है, एक गर्दन में चोट है और एक उसका छाती पे वार किया गया है। और डॉक्टर यहाँ पे बताता है कि छाती के ऊपर जो वार किया गया है इसी के कारण नील की मौत हुई है। और वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर थी जिसका नाम होता है सुनंदा, तो सुनंदा को कहीं ना कहीं रिया के ऊपर बहुत ज्यादा शक होता है। उसे ऐसा लग रहा था कि रिया कुछ ना कुछ तो छुपा रही है, तो वो रिया के कमरे का छानबीन करती है और यहाँ पे वही उसको 2 rings मिलता है, मतलब पार्टी वाले दिन जो रिंग जूही से वो चुराई थी। लेकिन उसका सुपीरियर इसको सबूत नहीं मानता। दूसरी तरफ हम देखते हैं जूही के पिता रिया को एक कैफे बुलाए थे और यहाँ पे बातों में हमें पता चलता है रिया की माँ मतलब मंजरी यहाँ पे सुसाइड कर ली थी। और जूही के पिता यहाँ पे रिया से रिक्वेस्ट करती है कि इस पे जूही का कोई भी दोष नहीं है, वो किसी भी तरह से जूही को बचा ले। और यहाँ पे जूही के पिता बोलने लगते हैं कि एक जूही थी जो कि उनको अपने गलतियों का एहसास करवाई, यानी कि जूही के पिता जो कि समाज के डर से मंजरी को अपना ना पाए और रिया के साथ जो जो भी हुआ इन सब का जिम्मेदार जूही उसके पिता को ठहराती है। तो ये सुन के रिया थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाती है और यहाँ पे जूही के पिता उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उस रात असल में क्या हुआ बताओ। तो रिया यहाँ पे बताने लगती है कि जब उस रात नील उसका गला दबा रहा था तब वहाँ पे एक पेन पड़ा हुआ था जिसको वो बहुत तेज नील के गले में मारती है, तो नील का वहाँ पे मौत हो जाता है, मतलब वो अपने आप को बचाने के लिए नील को मार दी थी। तो जूही के पिता यहाँ पे उसे बोलने लगते हैं कि ये तो तुम कोर्ट में भी बोल सकते हो क्योंकि तुमने सेल्फ डिफेंस के चलते ये सब किया है। और ये सब जूही के पिता यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिए थे। और यहाँ पे रिया को अरेस्ट किया जाता है और उसको 2 साल की सजा होती है। अभी 2 साल पूरा होने वाला था और कुछ ही दिनों में रिया जेल से छूट जाएगी। और अभी भी जूही को लगता है कि रिया उससे कुछ छुपा रही है। तो सच क्या है, उस रात क्या हुआ था, ये जानने के लिए जूही आखिरी बार रिया से मिलने जेल पे जाती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है पूरा सच। और यहाँ पे हम देखते हैं नील जब रिया का गला दबा रहा था तब वो उसको मारा नहीं बल्कि उसको छोड़ दिया और यहाँ पे उसे गुस्से में बोला कि इधर से निकल जाओ। तो रिया इधर से जाने के बदले नील को चिढ़ाने के लिए वो उसे उन लोगों का जो पेट कैट था उसका गले में जो बेल्ट बंधा रहता है वो बेल्ट उसको दिखाता है, मतलब रिया ने ही उनका पेट कैट को मार दिया था। तो नील वैसे भी चिढ़ा हुआ था और ऊपर से ये देख के वो गुस्से में बोलता है कि अच्छा हुआ तुम्हारा माँ मर गई और बचती भी कैसे, क्योंकि वो उसने एक मॉन्स्टर को जो जन्म दे दिया था। तो ये सुन के रिया को चढ़ता है बहुत ज्यादा गुस्सा और गुस्से में वही पेन को लेके वो नील के गर्दन में वार करती है। वो नील यहाँ पे पूरी तरह से मरता नहीं है। तो ये देख के रिया डर जाती है और वो सिक्योरिटी गार्ड को फोन करती है और उसको सारा ये सब चीज बताता है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड उसे आइडिया देता है कि तुम किचन नाइफ लेके आओ और उसको वो रुमाल से पकड़िए जैसे कि उसका फिंगरप्रिंट उस किचन नाइफ पे ना जाए। और यहाँ पे वो किचन नाइफ को लेके नील के छाती के ऊपर वार करने जा ही रहा था, नील यहाँ पे होश पे आ जाता है, मतलब नील यहाँ पे मरा नहीं था। फिर भी ये देख कर भी रिया उसको चाकू से मार डालती है और जो पेन जो कि उसने गर्दन पे वार किया था वो पेन को लेके वो रास्ते पे कहीं पे फेंक देती है जो कि पुलिस वालों को अभी तक नहीं मिला। और यहाँ पे वो झूठ मूठ का कहानी बना रही है कि उसने सेल्फ डिफेंस के चलते ये सब किया ताकि उसका सजा कम हो। और यहाँ पे कंप्लीट सच्चाई जूही को पता चलता है। अगर ये बात वो रिकॉर्डिंग कर देती तो ज्यादा मजा आ जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं होता। और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं रिया को जेल से आजाद कर दिया गया था। और इधर हम देखते हैं जूही को एक लिफाफा मिलता है जिससे कि लिखा था वो कभी भी, मतलब रिया कभी भी जूही का पीछा नहीं छोड़ेगी। और यहाँ पे वो सोचती है कि उसका जो छोटा बेटा है 2 साल का बेटा है उसके ऊपर अभी खतरा है, तो वो अपना बेटे के पास जाती है चेक करने की वो सही सलामत है कि नहीं। तो यहाँ पे हम वही फूल देखते हैं जो कि रिया हमेशा छोड़ के जाती है, वही फूल जूही के बेटे के पास देखते हैं। तो यहाँ पे सीजन 1 खत्म होता है। अगर सीजन 2 इसका आता है तो हमें आगे स्टोरी पता चलेगा। तो ये रही मिथ्या जो कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, इसकी कंप्लीट कहानी। तो अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को बिल्कुल लाइक कर देना, प्लीज लाइक कर देना क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। और मैं इस चैनल पे और एक सीरीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिलहाल जो कि एक ज़ॉम्बी हॉरर थ्रिलर सीरीज है जिसका नाम है किंगडम, और इसका भी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो आई बटन या फिर एंड स्क्रीन में आपको आ रहा होगा लिंक। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।